पंजाब कैबिनेट दे विच मुख मंत्री तीर्थ यात्रा योजना नूं मिली हरी झंडी। बुजुर्गां नूं सरकार करवावेगी अपने पैसों ते तीर्थ यात्रा। दिसंबर दे विच हो जावेगी तीर्थ यात्रा दी शुरुआत। बजुर्गों की वड्डी खुशखबरी सामने आ रही है। पंजाब सरकार हुण बजुर्गों नूं अपने पैसे ते तीर्थ यात्रा करवाएगी। जी हाँ, यह योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, जिसनों के पंजाब कैबिनेट की मीटिंग दे विच हरी झंडी मिल चुकी है। पंजाब वासियों नूं वख-वख धार्मिक स्थानों की यात्रा सरकारी खर्चे ते करवाउण दा फैसला किया गया है। कैबिनेट दे विच इस योजना नूं प्रवानगी मिली है ते यात्रा दसंबर तो शुरू हो जाएगी। जी हाँ, बसों के जरिए पंजाब ते राजस्थान के धार्मिक स्थानों की यात्रा बजुर्गों नूं करवाई जाएगी, जिन्हां दे विच अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, तलवंडी साबो आदि नूं भी शामिल किया गया। इसे तरह राजस्थान के सालासर की यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, वह भी करवाई जाएगी। रेलवे राही नंदेड़ साहिब, पटना साहिब, अयोध्या, वाराणसी और अजमेर की यात्रा भी करवाई जाएगी। तो यात्रा दसंबर के शुरू हो जाएगी। पंजाब दे विच जदों अकाली दल भाजपा गठजोड़ सरकार सी, तां 1 जनवरी 2016 नूं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिस तहत प्रति यात्री प्रतिदिन के 1855 रुपये खर्चे गए। हरियाणा सरकार ने हाल ही के 2 नवंबर अंतोदय स्कीम तहत कवर होंदे करीब 40 लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू की है। तो हुण पंजाब दे विच भी यह मुड़ तो शुरू होण जा रही है दिसंबर तो। इस तरह राजस्थान दे विच भी बजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा स्कीम पहले तो ही चल रही है। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।